सड़क दो जैसी मूवीज देखने के बाद अगर आपको भी अपना मूड ठीक करना है तो आप एकदम सही जगह आए हो। मतलब साउथ इंडस्ट्री से ज्यादा अच्छी मूवीज आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो आज हम कुछ ऐसी ही थ्रिलर सस्पेंस से भरी हुई टॉप 5 साउथ इंडियन मूवीज को रैंक करने जा रहे हैं, जिन्हें हमने रैंक किया है IMDb की रेटिंग और लोगों की पसंद के हिसाब से। नंबर 5, फॉरेंसिक। 2020 में आई एक मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है। जैसे उनका नाम है वैसे ही बेस्ड है फॉरेंसिक एक्सपर्ट पर, जो की केस को सॉल्व कर रहा है, जिसमें उसके साथ एक IPS ऑफिसर भी आती है। अब इस मूवी में एक सीरियल किलर है जो की छोटी बच्चों को किडनैप कर रहा है और बड़ी बेरहमी से मार रहा है। अब ये मूवी हिंदी में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे मलयालम लैंग्वेज के साथ इंग्लिश और हिंदी सबटाइटल के साथ आराम से देख सकते हैं। नंबर 4, सेवेंथ डे। 2014 में आई ये एक मलयालम लैंग्वेज थ्रिलर फिल्म है। अब ये कहानी है एक सस्पेंडेड IPS ऑफिसर की, जो कि एक दिन एक्सीडेंटली दो बाइक वालों को टक्कर मार देता है। अब वो उन दोनों दोस्तों को हॉस्पिटल लेके जाता है, लेकिन उनमें से एक लड़का हॉस्पिटल से भाग जाता है। अब वो IPS ऑफिसर को लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी केस को सॉल्व करने के लिए वो उसके 5 दोस्तों के बारे में पता करता है। अब ऐसा क्या है जिसने उस लड़के को हॉस्पिटल से भागने को मजबूर किया और उसके दोस्त क्या छुपा रहे हैं, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। प्लस यूट्यूब पर ही हिंदी में आपको ये मूवी मिल जाएगी, जिसे आप बड़े आराम से देख सकते हो। नंबर 3, दृश्यम। 2013 में आई ये मलयालम क्राइम ड्रामा थ्रिलर फिल्म तो आप सभी ने देख रखी होगी, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने इसका रीमेक ही देखा होगा, क्योंकि वैसे भी दोनों में कुछ फर्क नहीं है। बॉलीवुड वालों ने डिट्टो साउथ से उठाकर छाप दी है। खैर, जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी या कोई इसका ओरिजिनल वर्जन देखना चाहता है तो यूट्यूब पर ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। और 2 अक्टूबर को याद है ना क्या हुआ था? मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। वैसे सारा क्रेडिट इस फिल्म का तो जीतू जोसेफ को ही जाता है, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा भी है और डायरेक्ट भी किया है। नंबर 2, गर्ल 2। 2018 में ये एक कन्नड़ साइबर थ्रिलर फिल्म है। तो ये फिल्म बेसिकली बेस्ड है साइबर क्राइम इन सब पर। मतलब डार्क वेब के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, तो ऐसा ही कुछ रिलेटेड आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो ये स्टोरी है एक कॉलेज स्टूडेंट की, जो कि फेमस है उसकी हैकिंग स्किल्स के लिए, और वो एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। और सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तब तक उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, क्योंकि उस पर ही आरोप होता है कि उसने कुछ पर्सनल डाटा को चुराया है। अब क्या उसने सही में ये क्राइम किया है या नहीं, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो ये मूवी आपको MX Player और वूट दोनों पर ही मिल जाएगी, लेकिन ये सिर्फ कन्नड़ लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। नंबर 1, विक्रम वेधा। 2017 में ये एक नियो नॉयर एक्शन थ्रिलर फिल्म है। अब ये फिल्म इंस्पायर्ड है इंडियन फॉक्टेल 4225 पर। तो इस फिल्म की स्टोरी है एक पुलिस ऑफिसर विक्रम की, जो कि वेधा नाम के गैंगस्टर को पकड़ने निकला है, लेकिन वेधा उसके पकड़ने से पहले ही खुद को सरेंडर कर देता है। और वो विक्रम को 3 स्टोरी सुनाता है, जिससे विक्रम का अच्छाई और बुराई को लेकर पूरा नजरिया बदल जाता है। अब ये फिल्म आपको हिंदी में यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो ये थी 5 सस्पेंस थ्रिलर से भरी हुई कुछ साउथ इंडियन मूवीज, जो कि आपको जरूर देखनी चाहिए, और इजीली इन मूवीज को आप देख भी सकते हो। तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि ये लिस्ट और इसमें की ये मूवीज आपको कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।